से सभी जिस तरीके से कोरोना काल इस पूरे देश पे हावी था और दो साल से कोई भी त्यौहार हम लोग नहीं मना पाए थे, दो साल बाद आज होली के पावन पर्व पर मैं सभी शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर पर सभी बहुत खुश हैं कि कोरोना काल ख़त्म हुआ है और हम सभी ने कोरोना की जंग को जीता है और सभी मिलजुल कर इस होली का पावन पर्व को मना रहे हैं। ठीक है, साल के बाद जिस तरह से होली आप मना रहे हैं उसको सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग घर पे आए, होली मनाई हमारे साथ, इस बात की बहुत खुशी है। इसी दिन का मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप लोग कब घर आओ, क्योंकि दो साल से आप लोग घर नहीं आए थे। और सच बताओ इतनी खुशी की बात है, दो साल जो इतना सूना सूना जब गया था होली पे, तो बहुत मन उदास रहता था, क्योंकि एक होली ऐसा त्यौहार है कि हर एक इंसान बिना बुलाए चला आता है और हम लोग मिलते हैं, रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और डांस करते हैं, मस्ती करते हैं। तो मेरे सभी को ये संदेश है कि पूरे सभी लोग अपने जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उसको निभाते चलें। सभी लोग ये ना सोचें कि अभी कोरोना ख़त्म हो गया है, क्योंकि देखिए हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, तब तक सब ठीक है। कोरोना के सारे प्रोटोकॉल को पूरा करें, मास्क लगा के रखें, हाथ सैनिटाइज़ करें, दूरी बना के रखें, दो गज की दूरी मास्क ज़रूरी वो ज़रूर पूरी करें, ताकि हम लोग लगातार यूं ही ऐसे ही होली मनाते रहें, रंगों के त्यौहार को मनाते रहें, खुशियाँ बटोरते रहें। यही मैं कहना चाहूँगी और सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीदी, अभी लोग बिछड़ गए, उनको लेके आपका जब मन मिलाव नहीं हो पाता था और एकजुटता का प्रतीक है, एकजुट को लेके क्या संदेश है आपका, भाईचारे को लेके कैसे? देखिए मैं कहती हूँ ना, जैसे अपना होली में ही कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है, आज के दिन दुश्मन भी, होली के दिन दिल खिल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो एक होली का ही त्यौहार ऐसा है कि हम सबको एक होकर रहना चाहिए। देखिए मन मुटाव करके रखने से और हमें ही ज़्यादा परेशानी होती है और ज़्यादा दूरी होती है। अगर हम प्रेम बना के रहेंगे, एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम ही हिंदुस्तानी, अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सभी को ये संदेश है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हम सब हैं भाई भाई। ये बात हमेशा हम मान के चलें, मिल के चलें और आगे चलें। हमारा देश सद्भावना का प्रतीक है, हम सब एक एक हैं। तो यही मैं संदेश देना चाहती हूँ होली के इस पावन पर्व पर कि सब लोग एक होकर रहें। सबको हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए कॉन्टैक्ट 9666953021।